नमस्कार, मैं रेहा परिहार स्वागत करती हूं आपका रेड नाइन न्यूज की इस खास पेशकश में, जहां आज हम फिर हाजिर हैं भगवान गणेश की एक नई कहानी के साथ। आज हम इस कहानी में आपको बताएंगे कि तुलसी जी ने क्यों दिया था भगवान गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप। जानिए इनके विवाह से जुड़ी इस रोचक कहानी। देवी तुलसी जी ने की गणेश जी की विचित्र छवि को देखकर तुलसी जी को बहुत अच्छा लगा और वे बड़ी प्रभावित हुईं। तुलसी जी ने भगवान गणेश से विवाह करना चाहा और ध्यान से उठने पर भगवान गणेश से देवी तुलसी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी जी से विवाह करने के लिए साफ मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गईं और गणेश जी को ये श्राप दिया कि तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो और एक समय आएगा जब तुम्हारी दो शादियां होंगी और दो पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय ही बीता था, तब तक भगवान गणेश की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी। कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहता था। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं में अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। गणेश जी का विवाह नहीं होने के कारण गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उनके विवाह में विघ्न उत्पन्न करते थे। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने दो मानस पुत्रियों को उत्पन्न किया, उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा। इन दोनों पुत्रियों को ये आदेश दिया गया था, जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्न डालने लगे उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना, ताकि गणेश जी की वजह से किसी के विवाह में विघ्न ना आए। कुछ समय तक तो इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान दूसरे विषयों पर लगाते रहे। जब भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवाह तो हो गया और वो अभी तक अविवाहित रह गए, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। इसका पता लगने पर ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए, उनसे रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भगवान गणपति ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप सच साबित हुआ। भविष्य में उनके दो पुत्र शुभ लाभ भी हुए, साथ ही एक पुत्री यानी देवी संतोषी भी हुई। धन्यवाद।